ये जगह है, ये हरे राम हरे कृष्ण मंदिर आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, और यहाँ बहुत ही सुंदर जगह पर ये टी प्लांटेशन का प्लान बनाया हुआ है। हम सब यहाँ आए हैं ये आपके बर्थडे पे, और इस बर्थडे के सेलिब्रेशन में आज टी प्लांटेशन होगा। हमारे पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है, सब परिवार की मौजूदगी में यहाँ पर ये नीम का पेड़ किया जाएगा, लगाया जाएगा। वृक्षारोपण का समारोह हो रहा है, प्रचोदया हैप्पी बर्थडे। तो हमारे भाई साथ में है सुधीर भाई दानी जी, जिन्होंने पासी खिल के ऊपर एक प्लांटेशन टी प्लांटेशन का अभियान चलाया। इनका अभियान है कि कम से कम 100 पेड़ यहाँ पर लगाया जाए और पूरे इस पासी खिल को और ग्रीनरी तो है और अच्छी ग्रीनरी दी जाए। तो कैसे आपका स्वागत है, तो कैसे आपने ये सोचा और किस तरह से आप ये काम कर रहे थे? कोरोना का पॉजिटिव साइड यह है कि कोरोना ने आप लोगों को, हम सब लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है वो बता दी है, और ऑक्सीजन निर्माण होने की एक ही नेचर की प्रोसेस है, वो है वृक्ष लगाना। और वृक्ष एक अभी एक हर आदमी ने संकल्प करना चाहिए कि जब तक मैं हूँ और मुझे सांस लेना है तब तक मैं एक पेड़ हर साल लगाऊंगा। यही संकल्प हम लोग करेंगे तो भविष्य में जो आज ऑक्सीजन की संकट निर्माण होता वो होगा नहीं, और हर एक प्राणी को जीने के लिए अच्छा ऑक्सीजन अच्छा हवा मिलेगा। तो ऐसा है कि सुधीर भाई ने जो प्लान बनाया, सुधीर भाई मुझे पता चला है केरल में थे, वहां से उन्होंने वीआरएस लिया है और वीआरएस लेकर ये प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। तो आप सुधीर भाई का संपर्क कर सकते हैं, इनसे कॉम्पेट करके यहाँ मिनिमम चार्ज जो कि खड्डा 2x2 का खड्डा आप डिटेल दे दीजिए कैसे करेंगे। हाँ, हर एक पेड़ लगाने के लिए हम 2x2 का खड्डा लेंगे, उसमें फिर लाल मिट्टी और सीमेंट मिक्स करके डालेंगे, और जो पेड़ लगाना है वो कम से कम 3 साल के जो ग्रोथ हुए है या 5 फुट का जो उनका ग्रोथ हुआ है वो पेड़ लगाएंगे। और वो पेड़ जो है आम, पीपल, बर्ड, चींच और जो फॉरेस्ट ट्री जो रहते हैं वही लगाएंगे। सिर्फ शो के लिए जो पेड़ लगाते वो नहीं, जो नेचुरल यहाँ जो ग्रोथ होने वाले पेड़ है वही पेड़ हम यहाँ लगाएंगे। लगाने के बाद उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, क्या पानी वगैरह देने की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से होगा? हाँ, हर एक्चुअली जब आप पेड़ लगाएंगे जून महीने में तो दिसंबर तक तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट जो जनवरी फरवरी मार्च ये जो 3-4 महीने है उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और ऊपर जो पानी की टंकी वहाँ से पाइप से चलिए। आपके अभियान को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, हमारी यह बेटिया के बर्थडे पे आज हमने किया है। आप भी अपने घर पे किसी स्वजन का बर्थडे है तो आप जरूर बताइए, सुधीर भाई दानी से कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा नीचे। और आपका सबका स्वागत है, हम सब मिलकर नई मुंबई को और ग्रीन बनाते हैं इस संकल्प के साथ मिलते हैं। और हमारे तरफ से रिया बेटी को बहुत बहुत जन्म दिन मुबारक, और ये भविष्य में बहुत बड़ी बेटी हो, आपके पापा मम्मी का नाम रोशन करे, दादा दादी का नाम रोशन करे, यही प्रार्थना। गौ माता की जय हो। इधर
सावाजी वाला। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्कंदनी जी मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका 1 तारीख को जन्मदिन है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बर्थडे टू हिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हिया के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग आए हैं गौशाला सीबीडी में, गौ माता की सेवा करने में, गौ माता के सानिध्य में हमने थोड़ा वक्त बिताया। यहाँ पर रतिलाल काका है जिन्होंने यहाँ हमने टी प्लांटेशन भी किया है गौशाला के अंदर, सीबीडी के अंदर। प्लीज काका, कैसा आप दो शब्द आशीर्वचन हिया के लिए बोलेंगे? हिया के लिए आशीर्वाद के लिए आशीर्वाद। और यह गौशाला है अपना होटल समाज का जी, हम लोग यहाँ फ्री सेवा सब कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सब आ सकते हैं। आप सब आ जाइए यहाँ पिकनिक मनाइए, जो भी करना आप कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारे विलेज उपाध्याय जी के पुत्री का बर्थडे धन्यवाद। शुरुआत वृक्षारोपण की होने जा रही है सेक्टर 3 के गार्डन में। पते का सुपुत्री हिया, हिया इनका प्रथम जन्मदिन का समय में हम लोग सब इधर उपस्थित हैं। उनको अपना मार्ग का जनता के तरफ से मैं जन्मदिन का शुभेच्छा देता हूँ। और उनका पिताजी ने, पिता और माता ने अच्छे संकल्प किया, क्योंकि अपना बच्चे को घर में के एंजॉयमेंट घर में नहीं करते हैं। उनका ना जो जन्मदिन में हर परिसर में एक पौधा लगाएंगे, आगे आने वाले जन्म को स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। देखिए आज पेड़ की वजह से, पेड़ कमजोर होने की वजह से ऑक्सीजन का बहुत तकलीफ हो गया। आज फ्यूचर में क्या होने वाला अपने मानो ये किधर फ्रेश ऑक्सीजन है, ज़्यादा पेड़ है इधर अरुण अच्छा है। जैसे ये जो सोच उपाध्याय ने किया कि आने वाले जन्म को एक सब लोग इसके बारे में सोचने का पता है, हर घर में एक ही पेड़ लगे तो भी अपने को शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हर घर में उनका कोई भी प्रॉब्लम है एक ही पौधा लगाए, कोई भी गार्डन नहीं तो उनका परिसर में रास्ते के बाजू में लगे ना, जो आने वाले दिन में अपनी बीमार पड़ने की शक्ति नहीं, मेडिकल वालों को थोड़ा तकलीफ है। परिसर में ये जो विषय में आज दोनों पति परिवार उनका सब लोग पति परिवार ऐसे मैत्री सोशल ग्रुप मिलके आज ये प्रोग्राम किया, मैं इन लोगों का आभार मानता हूँ। ऐसे हर जन्मदिन में ये प्रोग्राम होना चाहिए। उपाध्याय जी हमको अपने से भी नहीं होगा कभी, अपना जो बच्चों लोग से परेशान शुद्ध हो जाए ये बोल के मैं मैत्री ग्रुप और हिया के मम्मी पापा सभी लोगों को बहुत बहुत उपाध्याय परिवार उनकी प्रथम उपाध्याय सब बर्थडे के लिए आज सेलिब्रेशन के लिए आप सब यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और बहुत अच्छा आज इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है, अपन अपना प्रोग्राम बच्चों का घर में हजारों रुपया खर्चा करके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इन्होंने आज एक नया संकल्प लिया और यहाँ पे मुझे लगता है 3-4 जगह पे अभी तक उन्होंने पौधे लगाए हैं।
और वृक्ष का इम्पोर्टेंस अभी तो अपन ये कोरोना के इसमें समझ गए हैं कि निसर्ग क्या होता है, निसर्ग से क्या आपने को मिलता है। और उन्होंने अच्छा काम किया है, आप सभी लोगों ने उनको देख के आगे ऐसे ही करना, हर अपने बर्थडे पे एक एक झाड़ हर जगह पे लगना चाहिए, वो आगे चल के अपने को ही यूजफुल होने वाला है। मैं गिया को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आगे ऐसे ही इनकी उन्नति होते जाए, इसको अच्छा आरोग्य मिले और हर बर्थडे पे हम आके ऐसे ही सेलिब्रेशन करें, ऐसे ही शुभकामनाएं देती हूँ। इनके मम्मी पापा को भी शुभकामनाएं देती हूँ और मैत्री टावर मैत्री ग्रुप वालों ने जो यहाँ पे प्रोग्राम रहते हैं और हमें बुलाया, इसलिए उनको धन्यवाद करती हूँ और अपने दो शब्द समझाती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैत्री सोशल ग्रुप के श्री प्रकाश भाई और बाकी पदाधिकारी के साथ जब भी मेरी बात हुई इस सिलसिले में, बहुत ही उत्साह के साथ मेरे इस विचार को उन्होंने सम्मानित किया और बहुत ही शादी की दिन का पीरियड था और एक दिन में सब पूरी व्यवस्था हो गई और मेरी बिटिया एहिया का पहला जन्मदिन है और सभी लोगों ने आकर यहाँ पर अपने सुभाषिश प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारा मैंने पहले ही कहा कि ये छोटा सा वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक प्रतीकात्मक कि एक मैंने एक या दो या तीन जगह वृक्षारोपण किया है, लेकिन ये मैसेज जहाँ जहाँ जाएगा बाकी लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हमें ये लाखों तक वृक्षारोपण की संख्या पहुंचेगी और ये पूरे नवी मुंबई को ही नहीं पूरे भारत को एक ग्रीनरी जोन में धीरे धीरे हम तक भी पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को इतना सुशोभित किया है कि उसके लिए मैं मेरे पास शब्द नहीं है। आपने छोटी सी चीज को इतना बड़ा इतना अच्छा बना दिया और छोटा बोला ना मैडम जी आए सपोर्ट और आप लोग सपोर्ट स्पेशली जैन समाज पूरा इन्होंने जो पूरा ऑर्गेनाइज प्रकाश भाई मैत्री सोशल ग्रुप सभी आप लोग सब आए हैं पता है आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और इसी तरह कार्यक्रम हमेशा बनता रहे ऐसे मेरी कामना है। ये कार्यक्रम न मैत्री सोशल ग्रुप न प्रकाश या नीलेश उपाध्याय जी का नहीं है, ये हमारा एक कर्तव्य है। जैसे अभी सेठी साहब ने मैडम बोला है कि हर आदमी घर में बंदे बनाता है, हजारों रुपया खर्चा कर लेता है और दोपहर तक भूल जाता है, लेकिन ये जो आज जो हुआ है वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये कितने टाइम तक रहेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता और इससे कई लोगों को फायदा होगा और प्रेरणा भी मिलेगी कि जिन्होंने ये कार्य किया आप लोगों को भी करना चाहिए। शेट्टी साहब और जब भी हमने बोला इनको इमरजेंसी में बोलो या कैसे बोलो समय निकाल के हमेशा आए उनको भी धन्यवाद। हमारे ग्रुप की ओर से ऐसे ही सेक्टर टीम ने आप काफी देखा भी होगा हमेशा इस कोविड में भी जब कहीं पे भी जब तक खड़े रहे तो उनका खूब खूब धन्यवाद। ऐसी संकट परिस्थिति में हम भी नहीं जाते हैं और ये आते रहते हैं उसके लिए खूब खूब मैत्री सोशल ग्रुप की ओर से धन्यवाद। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवश्रीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। तो हमारी बिटिया हिया के पहले जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ कुछ राशन का सामान लेकर आए हैं। अनंदाश्रम नेरू में ये वृद्धाश्रम है जहाँ पर मैडम नेहा मैडम जी हम उनसे मुलाकात हुई और पता चला कि यहाँ पर आप कोई भी आपके शुभ दिन पे या किसी की याद में आप यहाँ पर आके कुछ चीज डोनेट कर सकते हैं, आप कैश डोनेट कर सकते हैं, राशन का सामान डोनेट कर सकते हैं और बाकी बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। आपको इस तरह से स्लिप मिलती है कि आपने क्या क्या डोनेट किया है, तो हम मैडम से ही जानेंगे कि यहाँ किस तरीके से आया जा सकता है और क्या क्या डोनेट कर सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम नेहा। नेहा मैडम, मैडम किस तरह से अगर कोई समझ लीजिए आपके यहाँ सहाय करना चाहता है जो यहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो नॉर्मली कितने सीनियर सिटीजन रहते हैं यहाँ पर? अभी तो 23 लोग हैं जी, लॉकडाउन के लिए थोड़ा बंद रहता है। अच्छा,
ओके नॉर्मली ऐसे कितनी कैपेसिटी कितनी ज्यादा ही अभी जो बड़ा हुआ है ना। अच्छा आगे बढ़ रहा है और तक रह सकते हैं ओके। यहाँ कहाँ से मतलब पूरे महाराष्ट्र से या कोई लोकल सभी जाति सभी समाज के लोग यहाँ पर रह सकते हैं। खाली ब्राह्मण नॉनवेज अच्छा नॉनवेज यहाँ पर अलाउ नहीं है ओनली वेज चाहे कोई भी जाति की हो लेकिन वेज होनी चाहिए जो कि वेज प्रस्तुत में जो ब्राह्मण से मंडल है उनका चलाते। अच्छा और यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या दिया जा सकता है अगर कोई डोनेट करना चाहे टाइमिंग क्या है यहाँ पर ऑफिस का? सुबह 10 से 7:30 तक आ सकते हैं। आ सकते हैं कोई भी दिन हफ्ते में कोई भी दिन आ सकते हैं और क्या क्या ला सकते हैं जैसे कैश देना है ऐसे राशन का सामान है सामान। अच्छा कुछ खाने पीने के सामान बनाकर लाना चाहे तो ला सकते हैं। वो नहीं देते बाहर से लेकिन पैक हो जैसे आइसक्रीम वगैरह हो या स्वीट ऐसे दे स्वीट या ऐसे आइटम आप लाके दे सकते हैं खाना जैसे वो नहीं दे सकते। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है आपको शुभकामना देना चाहते हैं या ना? थैंक यू आपको आपके बेटी को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से आश्रम की तरफ से सब आजी लोग की तरफ से। थैंक यू वेरी मच और हम हेल्थ रहेंगे बहुत जल्द और हम लोगों के साथ आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार नमस्कार।